जय हिंद दोस्तों। एसबीआई गार्ड की वैकेंसियां निकली हुई हैं और बता दें कि ये वैकेंसी केवल भूतपूर्व सैनिक ओआर के लिए है, सिपाही से लेके हवलदार तक। जेएसयू इसमें नहीं अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये वैकेंसी जो है इसमें पे प्रोटेक्शन रहता है तो काफी सैलरी रहती है। यानी कि पे प्रोटेक्शन से ये फायदा रहता है कि आपकी बेसिक जो सैलरी स्टार्ट होती है, जिससे आप रिटायर हुए हैं वहां से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। तो मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी 55,000 से 60,000 से शुरुआत होती है, तो आप समझ सकते हैं काफी अच्छी सैलरी मिलती है इसमें। और कैसे इसका पूरा प्रोसेस है, कितनी वैकेंसी कहाँ पर निकली हुई है, पूरी जानकारी इसमें मिलने वाली है। वैकेंसी जो निकली थी इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था पहले, जिसमें कई लोगों ने अप्लाई किया, फॉर्म भरे, और ये फॉर्म जो भरे जाते हैं ये डायरेक्ट जिला सैनिक बोर्ड से नाम भेजे जाते हैं राज्य सैनिक बोर्ड में, और राज्य सैनिक बोर्ड पूरा कलेक्ट करके एक साथ एसबीआई को, जो एग्जाम कंडक्टिंग स्टाफ है, उनको उनके पास भेजता है। तो इस तरह से प्रोसेस है। तो जिन्होंने ये फॉर्म भरे थे उनका अभी ये एडमिट कार्ड आए हैं कि आपको फिजिकल टेस्ट देना है। तो फिजिकल टेस्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या आपको ले जाना है, फिजिकल में आपको मेडिकल क्या कैसे कराना है, क्या क्या मेडिकल में होना चाहिए, पूरी जानकारी इसमें मिलने वाली है। बता दें कि ये एक कैंडिडेट है जो कि इन्होंने हमें भेजा था, और ये कैंडिडेट 1569 यानी कि सिग्नल के हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनको एडमिट कार्ड आया है, जिसको एडमिट कार्ड आया है वो उनको ये काम करने होंगे। इसमें दिया है रिक्रूटमेंट ऑफ बैंक गार्ड, फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। जिसका फिजिकल फिटनेस टेस्ट और फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उनको क्या क्या चीजें ले जाना है, तो इसमें शॉर्ट लिस्ट किया गया है इनको। ये मध्य प्रदेश के हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में जो वैकेंसी निकली थी उनके लिए अभी लिस्ट ये एडमिट कार्ड आने लगे हैं। तो आपने अगर भरा होगा तो आपके भी आएंगे। इसमें बता दें जो वेन्यू है, एग्जाम कहाँ होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई एलडी, भोपाल, सुल्तानिया रोड अपोजिट बीएसएनएल ऑफिस भोपाल में है ये, इस जगह भोपाल पर होगा। और 20 जनवरी 2023 को होगा, ये जो डेट दी है फिजिकल की, 20 जनवरी 2023, 10:30 यानी कि उससे भी आधा घंटे पहले आपको पहुंचना है। इनका सीक्वेंस नंबर 40 है। अब बता दें कि इसमें फिजिकल टेस्ट जो होगा, दो टेस्ट होंगे, फिजिकल टेस्ट, फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट और फिजिकल फिटनेस टेस्ट। दोनों टेस्ट आपको इसमें क्वालिफाई करना है। इसमें बता दें आपको बिफोर टाइम में पहुंचना है, और अपना एक बायोडाटा फॉर्म भी इसमें दिया है, वो बायोडाटा फॉर्म भर के जाना है। बायोडाटा फॉर्म कॉल लेटर के साथ ले जाना है, इतना ध्यान रखें। और बायोडाटा फॉर्म में पेस्ट योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, और उसमें सिग्नेचर करना है उस फोटो में, जो आधा बाहर रहे और आधा अंदर रहे। इसमें ओरिजिनल बायोडाटा फॉर्म ही ले जाना है, दूसरा फॉर्म आपका फोटोकॉपी नहीं चलेगी, जो आपको फॉर्म भेजा गया है वही फॉर्म ले जाना है, इतना ध्यान रखें। फिजिकल टेस्ट में आपको रिपोर्टिंग से पहले पहले आपको पहुंचना है, और सारे डॉक्यूमेंट ले जाना है। डॉक्यूमेंट में एक बार अगर कम डॉक्यूमेंट ले गए तो आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। अब डॉक्यूमेंट क्या ले जाना है वो भी बता देते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ में ले जाना है, साथ में दो दो फोटोकॉपी भी ले जानी है, इतना ध्यान रखें। ओरिजिनल के साथ में दो दो फोटोकॉपी करा लें, वैसे फोटोकॉपी नहीं लगेगी लेकिन आप रख लें तो और ही अच्छा रहेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आपको बता दें कि वेरिफिकेशन के टाइम पे, आपको फिजिकल टेस्ट के टाइम पे लगेगा। उसमें क्या चाहिए, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, पहले तो एक डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ, यानी कि आपकी 10th की मार्कशीट जो रहेगी वो प्रूफ रहेगा। इसके बाद सर्टिफिकेट फॉर रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट में आपको 10th और 12th की मार्कशीट ले जाना है। जिसने बीएससी बीए किया है वो नहीं ले जाएं, उनका इसमें कोई काम नहीं। अगर वो ले जाते हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा, बीएससी और बीए वालों को नहीं लिया जाता है सिक्योरिटी गार्ड में, इतना ध्यान रखें। डिस्चार्ज बुक और पेंशन ऑर्डर का ओरिजिनल और फोटोकॉपी जरूर ले जाएं। इसके बाद सर्टिफिकेट फॉर रिलेटिंग स्पोर्ट्स, अगर आप खेलते हैं उसकी कोई फोटोकॉपी ले जाएं, ओरिजिनल कॉपी ले जाएं। अगर कोई किसी तरह का एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस है आर्मी से रिलेटेड, यानी कि आपको सिक्योरिटी का जो सर्टिफिकेट होती है वो ले जाना है, जो आपको रिटायर होने के टाइम पे मिलती है। इसके बाद अगर आपने कोई टेक्निकल वर्क किया है तो वो भी ले जाए, इफ एनी, अगर कोई है तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं, इसमें आपको अगर कोई मेडल एडल मिला है, गैलेंट्री अवार्ड विनर है, तो ले जाना है।
आई कार्ड ले जाना है, एक्स सर्विसमैन आई कार्ड जो इशू होता है जिला सैनिक बोर्ड के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा जो इशू होता है वो ले जाना है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ले जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो होगा सिविल सर्जन से किया हुआ होना चाहिए, ये ध्यान रखें। आप सिविल सर्जन जो भी होंगे उन्हीं से कराना है, दूसरी नहीं लगेगी। और सिविल सर्जन से जो कराएंगे उसमें एक चीज ध्यान रखें, ब्लड ग्रुप जरूर लिखा होना चाहिए आपकी मेडिकल सर्टिफिकेट में। इसके बाद आपका बीपी शुगर ये सारी चीज चेक होनी चाहिए। इसके बाद आई साइट आपकी 6x6 या 6x9 लिखा होना चाहिए, 6x9 है तब भी इसमें चलेगा, इतना ध्यान रखें। और इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाता है, आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाओगे उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें लिखा होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के साथ में आपको ये देना होगा, जरूर कंपलसरी है। तो जो फिजिकल सर्टिफिकेट है इसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इनक्लोज आपको एक परफार्मा इनक्लोज है वो आपको भर के ले जाना है, वो मैं आगे दिखाऊंगा। SC ST है तो उनको SC ST कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है, कंपिटेंट अथॉरिटी से साइन किया हुआ होना चाहिए। OBC सर्टिफिकेट ले जाना है, OBC कैंडिडेट है तो। इसके बाद 1/4/2021 के बाद की होनी चाहिए, ये ध्यान रखें, यानी कि 1/4/2021 के बाद की ही ये सर्टिफिकेट होनी चाहिए। EWS कैंडिडेट जो भी EWS सर्टिफिकेट बनवाते हैं एक्स सर्विसमैन, उनकी सालाना आमदनी 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो इनकम टैक्स जो भर रहे होंगे 8 लाख से ज्यादा नहीं है, तो आप इनकम EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और सभी एक्स सर्विसमैन बना सकते हैं जिसकी इनकम 8 लाख से कम है। तो ये सर्टिफिकेट आपको ले जानी है अगर EWS का फायदा लेना है तो, ये ध्यान रखें। इसमें ध्यान रखें इनकम टैक्स की जो आप प्रूफ देंगे EWS सर्टिफिकेट बनाने में 2021 और 2020 और 21 का मांगा गया है, तो आपको यही देना है। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं, आपको इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट अगर है तो आप उनकी NOC ले जाना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर कभी आपकी नौकरी लग गई है, नहीं तो इसको ना ही ले जाएं और ना ही आप इसको शो करें कि हम ऐसे ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। आउट स्टैंडिंग जो कैंडिडेट हैं जो दूसरे राज्य के हैं, MP के नहीं है, वो अगर SC ST है तो उनको रास्ते का जो ट्रेवल खर्च है वो दिया जाएगा, लेकिन ज्यादा एक्सपेंस जैसे कि आपको स्लीपर का दिया जाता है तो आप AC का रिजर्वेशन करा के ना जाएं, इतना ध्यान रखें। अगर आप एक्सपेंस ज्यादा खर्च करेंगे तो आपको वो नहीं मिलेगा। इसके बाद अभी बात कर लेते हैं इसेंशियल सर्टिफिकेट में, यू विल बी परमिटेड, अगर आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट पूरी नहीं हुई तो आपको परमिट नहीं किया जाएगा, इतना ध्यान रखें। SC ST कैंडिडेट को भी ट्रेवलिंग का एक्सपेंस विल बी पेड नहीं किया जाएगा अगर आपकी पूरी सर्टिफिकेट नहीं हुई तो। सर्टिफिकेट कंपलसरी है, सारी चीज ले जाना। फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका जो होगा, फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट ओनली उनका होगा जो कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट में पास होंगे, यानी कि पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, इसके बाद फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तो यानी कि फिजिकल टेस्ट में जब पास हो जाएंगे तभी आपका फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तो एक दोनों चीज आपके तभी होंगे जब पास होते चले जाएंगे। इसमें जो फिजिकल टेस्ट होगा 5 मीटर शटल होगा 1 मिनट में, इसका पुशअप होगा अपने टाइम में आपको करना है, सिटअप भी अपने टाइम में करना है। तो ये 3 चीजें आपको करनी है, इसके साथ में PT शूज आपको ले जाने हैं, पहन के जाना है, ध्यान रखें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसमें आपको बैंक का जो भी क्वालिफिकेशन है आपको वो, अगर बाद में सर्विस भी लग जाती है तो अगर फुलफिल नहीं कर पाते, उसमें कुछ मिस्टेक इनकरेक्ट माना आया कुछ, तो आपको सर्विस से निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं, बैंक विल बी नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिले, अगर आप आने जाने में डिले हो रहे तो बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। अभी हम बात कर लेते हैं बायोडाटा फार्म में, बायोडाटा फार्म में आपको क्या ले जाना है, क्या आपको लिख के ले जाना है, ये ध्यान रखें। ये है बायोडाटा फार्म, इसमें आप देख सकते हैं ये 2021-22 का गार्ड की वैकेंसी का है, और इसमें जो एक फोटो इधर लगानी है और हस्ताक्षर ऐसे करने हैं, जैसे इधर फोटो लगा दी है आपने तो हस्ताक्षर ऐसे करें कि आधा नीचे से ऐसे ऐसे होता जाए, फोटो में भी निकलता हुआ हस्ताक्षर हो, आधा नीचे आधा बाहर। इसके बाद अपना फुल नाम लिखना है, एक्स सर्विस मैन का आर्मी नंबर लिखना है, फादर नेम लिखना है, आर्मी नंबर वही लिखना है जो आपका आर्मी नंबर है वो लिखना है। इसके बाद कैटेगरी जनरल EWS OBC SC ST किस कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन है वो लिखना है।
डेट ऑफ बर्थ लिखनी है अपनी, इसके बाद एज 1 अक्टूबर 2021 को आपको एज कितने साल और कितने मंथ हो जाएगी वो लिखना है, इसके बाद पोस्टल एड्रेस आपने इसमें डालना है, नेक्स्ट नीचे आना है, फोन नंबर इसमें लिखना है, इसके बाद मोबाइल नंबर आप अपना लिखना है, परमानेंट एड्रेस इसमें इसमें डालना है, इसके बाद फोन नंबर भी लिखना है इसमें, ईमेल एड्रेस, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड भी आपको साथ में ओरिजिनल ले जाना है, इसमें वो लिखा है मैंने उसको बता नहीं पाया हूँ, तो वो भी आपको ले जाना है, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट सारे ले जाने हैं, ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी रख लें और फोटो कापी भी करा कर रख लें। तो मध्य प्रदेश का ये निकला था, दूसरे राज्य में जैसे ही निकलेगी वैकेंसी उसका भी एक अलग वीडियो बना देंगे। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू, जय हिंद।